पैसा कम खाया इसने, बंद करो इसको। कोनिचिवा सुबोध देसु, नमस्ते, मेरा नाम सुबोध है, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को चॉपस्टिक्स यूज करना सिखाऊंगा। जी हाँ, जापान में और जितने भी एशियन कंट्रीज होती हैं, वहां पे चॉपस्टिक्स से ही खाना खाया जाता है। तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आया कि मैं जापानी सीख रहा हूँ, तो क्यों ना उसका कल्चर अच्छे से जाना जाए। तो चॉपस्टिक्स सीखी। तो चॉपस्टिक्स मैंने जो है अमेजोन से ऑर्डर किए हैं, सस्ते में ऑर्डर किए हैं। बैम्बू चॉपस्टिक्स हैं, जो कि कुछ इस टाइप से दिखती हैं। ये देखिए, ऐसी कुछ फाइव आती हैं एक साथ में पेयर में, और कुछ जो भी पढ़ा है उसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो ये चॉपस्टिक्स है इनका यूज कैसे करते हैं, तो आइए सीखते हैं। तो भी जब चॉपस्टिक्स होती है उनको इस तरीके से पकड़िए और अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में ऐसे डालिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है और थंब से, एक वाली चॉपस्टिक्स को ऐसे पकड़िए और दूसरी वाली फिंगर को, रिंग फिंगर को नीचे से लाइए और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में दूसरी को पकड़िए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे का दिखेगा। ठीक है, और अब आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं ऐसा करके, और आप इसको मूवमेंट कराएंगे तो आपको ये थोड़ा फ्री हो जाएगा। पहली बार में हो सकता है कि ये आपका अच्छे से ना बने, बट बाद में जरूर आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और सबसे पहले इसको करने के बाद में क्या करना है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस क्या करेंगे, डायरेक्ट खाना तो खा नहीं सकते इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ सामान उठा के देखते हैं। ठीक, तो यहाँ टेबल पे मैंने एक रेजर रखा हुआ है। ठीक, मैं उसको इससे उठा के दिखाता हूँ। ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीमे धीमे आपका ग्रिप अच्छा होता जाएगा, जो कि मेरा अच्छा नहीं है, बट अभी अभी सीखा है भाई, कल ही परसों में ये चॉपस्टिक्स आई हैं, तो अभी स्टार्ट किया है, तो उठा के दिखाता हूँ। तो ये जो इरेजर है, और इसको देखिए ऐसे इरेजर को पकड़ा, ये देखिए पकड़ लिया। ये इरेजर रुक नहीं रहा है, पर पकड़ लिया। ये देखिए, ठीक है, हम बेचारा इतना ही शॉट मिल रहा है, नहीं तो ये रेजर भाई पैसा कम खाया। बस हो गया, बंद। तो भाई साहब, काफी लाख कोशिशों बाद में मैंने आखिरकार चॉपस्टिक जो है वो सीख लिया है। हाँ जी, बड़ा डिफिकल्ट था, बट अब मैं खाना खा सकता हूँ उससे। ठीक है, अब सामान गिरता नहीं इरेजर की तरह। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं खाना कैसे खाता हूँ। अभी मैंने जो है नूडल्स बना लिए हैं, ये वही नूडल्स हैं जो कि दो मिनट में बनने का वादा करते हैं पर कभी दो मिनट में नहीं बनते। जी हाँ, नाम आपको पता है? जी हाँ, उसको कमेंट जरूर करके बताएं क्या नाम है। ठीक, फिलहाल अभी मैं आपको थोड़ा सा एक और नियम बता देता हूँ यहाँ पे, कि एक छोटा सा सामान्य नियम है जो कि हर जगह जापान और चाइना हर जगह में कॉमन है, वो ये है कि चॉपस्टिक्स को कभी ऐसा खड़ा नहीं रखते हैं, कभी भी ऐसे टिका करके अगर आप खड़ा करने की कोशिश करें तो खड़ा नहीं रखते हैं। ठीक है, हमेशा चॉपस्टिक्स को साइड में ऐसे करके रखा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा करने का सीधा सा रीजन ये होता है कि जो फ्यूनरल प्रैक्टिसेस होती हैं, माने जब कोई मर जाता है तो वहां पे खाना रखा जाता है उनके लिए, तो उसमें इसको खड़ा रखा जाता है, तो ऐसा नहीं करते। ठीक है, दूसरा, एक अगर आप किसी के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं और चॉपस्टिक्स दी जाती है, तो चॉपस्टिक्स को कभी रब नहीं करते, ऐसे ऐसे करके घिसते नहीं है, ऐसा बैड मैनर्स बोला जाता है। ऐसा सिर्फ उन चॉपस्टिक्स के साथ में किया जाता है जो कि खराब होते हैं, जिसमें धारियां निकली होती हैं। तो ऐसा करके आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ चॉपस्टिक्स अच्छी नहीं है, तो मेरी खातिरदारी अच्छे से नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि भाई मैंने क्या सीखा है, खा के बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमने उठाया बाइट, अब गिन नहीं रहा, देखो बहुत गर्म है, गर्म ज्यादा है। ठीक है, देखिए, तो भाई फाइनली मैंने जो है चॉपस्टिक्स का यूज करना सीख लिया है। अब मैं आराम से बैठ के इस मैगी को खत्म करता हूं, और हाँ, आप लोग भी ऐसी चॉपस्टिक्स खरीदिए, उसको खा के देखिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे टैग करिए, सब कुछ लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो भाई तुरंत तुरंत लाइक कर दीजिए और शेयर करिए भाई, और सब्सक्राइबर्स जैसे ही बढ़ेंगे तो मैंने आपको वादा कर रखा है कि मैं क्या कर लाऊंगा, एक DSLR, तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।